आज हम बताने वाले हैं Hyundai के किसी भी ECU को रीड कैसे करते हैं, जो कि Hyundai i20 वरना फ्लूडिक, इनका जो ECM आता है 840 नंबर का, 841 नंबर का। तो ये KTM मेंस के सब कुछ कर रखा है, ये इसके कनेक्शंस हैं, ठीक है। इसको मैं रीड करूँगा और इसको रीड करके मैं न्यू वन में डालूँगा, बिकॉज इसमें P0202 का कोड आ रहा है, जो कि इंजेक्टर नंबर 2 का है। मैं ऑलरेडी इसको रीड कर चुका हूँ, बट दिखाने के लिए मैं वापस से इसको रीड कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई, ये मेरा ECU आइडेंटिफाई हो चुका है। इसको मैं रीड करूँगा, बट ऑलरेडी मैं, क्योंकि वीडियो मेरे को छोटा बनाना है, तो ऑलरेडी मैंने इसको कर चुका हूँ। वरना फ्लूडिक ही है। तो ये इनकी फाइलें हैं, मैं इसको डायरेक्ट अब अपलोड करूँगा। ये जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो ये अमित वरना अमित, तो ये ऑलरेडी ये मैंने फाइलें ले ली हैं। अब इसको मैं न्यू वन में लोड करूँगा, लो करूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ये नया ECM है और ये पुराना। अब इसके कनेक्शन में उधर लगा रहा हूँ, ये मैंने कनेक्शन लगा लिए और ये हो चुका है फ्री। अब डायरेक्ट मैं पहले इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा। मेरा आइडेंटिफाई हो चुका है, इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट राइट करूंगा। ये पहले मैं इसको रीड करके देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी जो फाइल्स हैं वो न्यूट्रल फाइल्स हैं। हिल गया है, कुछ हिल गया। अगर KTM मेंस कभी काम करना आपके बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो अपनी पिन है, USB पिन है, और जो डोंगल है और जो पावर केबल है, इसको पूरे को सबको निकालना है आपको। इसकी पावर सप्लाई कट ऑफ करनी है, उसके बाद वापस लगाना है, मिनिमाइज करना है, एक दो बार आपको फ्रेश करना है स्क्रीन को, और डायरेक्ट आपको वापस चलाना है। चल गया है मेरा, इसको मैंने आइडेंटिफाई करा, अगेन ये आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद मैंने इसको रीड करा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेज़ होती है वो ये फेज़ होती है कि अभी तो मैं प्रोग्रामिंग ले रहा हूँ, और जब मैं प्रोग्रामिंग डालूँगा, जब मेरा अगर इफ़ देयर एनी केस अगर मेरी पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई या लाइट चल गई या डोंगल के तार हिल गए, तो मेरा ECU हो जाएगा लॉक। KTM पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये ट्रबल हो रहा है कि स्पीड जब वो अनलॉक करते हैं या फिर वो प्रोग्रामिंग करते हैं और किसी ना इशू से अगर लाइट जाती है या फिर कुछ कट ऑफ होता है, तो ECU हो जाता है बिल्कुल लॉक। तो उस कंडीशन में एक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन आप मेरे से फ़ोन पे ले सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन अपन करें इसका ECU को खोलने के लिए, जो कि जो ECU लॉक हो जाते हैं।
जिन में कोडिंग नहीं डलती है, ठीक है। ये मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डेटा है उसको मैं लेके सेव कर लूँगा एक बार। और कोशिश ये रखनी है कि जब भी आप ये काम कर रहे हो तो आप हिलो मत ज़्यादा, हिलोगे तो तार रहेंगे क्योंकि तार ऑलरेडी छोटे हैं इसके। मेरे पास फ्यूचर कैन भी है लेकिन ये बकवास मशीन है, जिसने भी इसको बनाई है एकदम कचरा। इस पे ना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ECU की चेक लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, इसमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होता है। कई बार 1755 बंद भी बता देता है इस पे। गाड़ी पे चलेगा पर इधर बंद बताएगा। अब जो सेव मैं फाइल करने वाला हूँ वो इस ECU की ओरिजिनल फाइल है। ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देन हम इसका EEPROM सेव करूँगा। KTM बैन जिन जिन का स्लो चलता है उसके लिए भी है ऑप्शन अपने पास कि अपन उसको कैसे थोड़ा ढंग से स्पीड से चला सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा लैग करता है। मैंने इसका पुराना डेटा ले लिया है, अब मैं इसमें न्यू वन डेटा डाल रहा हूँ। तो अगेन मैं आइडेंटिफाई करूँगा, EEPROM का डेटा ये है, इसको मैंने लिया और डायरेक्ट राइट। फ्लैश थोड़ा सा टाइम लेता है, पुराने वाले ECU का डेटा मैं नए वाले में डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें P0202 का कोड आ रहा है, 202। अब जो आखिरी का 2 है इसका मतलब ये होता है कि इंजेक्टर नंबर 2, अगर 203 होता तो इंजेक्टर नंबर वो 3 होता। अब ये मैंने गलती से इसको कर दिया है। इसका फ्लैश मैंने लिया है, मैं एक बार और आइडेंटिफाई करूँगा, अगर कोई तकलीफ होगी तो वो हट जाएगी। आइडेंटिफाई कर लिया है मैंने, फ्लैश में अपलोड कर रहा हूँ इसको और फ्लैश को मैं राइट कर रहा हूँ। अब ये मेरे साथ एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने गलत फाइल एकदम डाल दी। अब मेरे को एक बार पूरा सिस्टम को वापस बंद करके, ताकि मेरा ECU सेफ रहे, लॉक नहीं हो जाए। पकड़ो एक बार, जितने डिवाइस आप कनेक्ट करोगे, जैसे ये एक तरह का पावर सप्लाई है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे वहाँ बीप आएगा आपके, इसको कनेक्ट करोगे तो सेकंड बीप आएगा, उसको करोगे थर्ड बीप आएगा। या वापस चलाओ इसको। अब मैंने EEPROM कर दिया है, अब मेरे को फ्लैश डालना है इसमें। वन सेवन सिक्स सिक्स है मेरा, इसको मैंने आइडेंटिफाई करा डायरेक्ट। इसका डेटा राइट हो रहा है, जो ओल्ड वाला डेटा था। अब आप देखेंगे कि इसमें जो एरर आया था वो एरर अब नहीं आया, बिकॉज ऑफ जितने भी बग्स आए थे बीच में उसको मैंने कर दिया कट, मैंने मेरे सिस्टम को वापस रिबूट कर दिया।
जो लोग नहीं करते हैं उनके साथ ये होता है कि KTM बेंच में फाइल नहीं डलती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते लोग बग। तो इसलिए आप सिस्टम को पूरा रिबूट करो, कंप्यूटर आपको रीस्टार्ट नहीं करना है, पावर केबल जो 12 वोल्टेज का अपन एडेप्टर यूज़ करते हैं उसको, 12 वोल्टेज का एडेप्टर जो है उसको, और अपने USB सीरियल नंबर 4 जो पोर्ट होता है उसको, और आपके डोंगल को। अगर आपकी कोई भी पावर सप्लाई कट होती है तो आपका यहाँ जो है अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, उस कंडीशन में आपका जो ECU होता है वो लॉक हो सकता है। जो भी आप KTM मैन जो भी चला रहा है वो उस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। सक्सेसफुली मेरा डेटा हो चुका है रीड और राइट भी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।